हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग स्थान, लर्न टू नो एंड नो टू लर्न। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम कंटिन्यू रखने वाले हैं यूपीपीसीएल एई के क्वेश्चन डिस्कशन को, जिसका एग्जाम हुआ था 2019 में और सेकेंड शिफ्ट का पेपर था, राइट। अभी तक हमने फोर पार्ट के जरिए क्वेश्चन नंबर 120 तक डिस्कस कर लिया है, तो इस पार्ट में क्वेश्चन नंबर 121 से स्टार्ट करेंगे, ओके। और ये जो होगा ये होगा पार्ट नंबर 5 और ये लास्ट पार्ट होगा इस सेशन का, राइट। ये जो हमारा सीरीज है इसका ये लास्ट पार्ट होगा, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन करंट सिचुएशन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल्स इज यूज्ड मोर इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेशन। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेशन में सबसे ज्यादा आजकल कौन सा फ्यूल यूज होता है? नेचुरल गैस, कोल, न्यूक्लियर एनर्जी और विंड एनर्जी। तो सबसे ज्यादा जो फ्यूल यूज होता है वो है कोल, राइट। बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा है कि सिंप्लीफाई द बुलियन फंक्शन ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी डैश इंटू ए बार प्लस सी। ये जो फॉर्मेशन है, ये जो फंक्शन गिवन है, ये किस फॉर्म में है? ये जो फंक्शन f है ये है POS के फॉर्म में। POS इट मींस प्रोडक्ट ऑफ सम, प्रोडक्ट ऑफ सम POS फॉर्म में है। तो यहां पर क्या करते हैं ना कि जो POS फॉर्म में है इसका जो मैक्स टर्म होगा इसको हम सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, राइट। इसका जो मैक्स टर्म होगा, यहां पर जो फंक्शन गिवन है f इज इक्वल टू a प्लस बी, a प्लस बी बार, a बार प्लस सी। यहां पर टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं 3। एक वेरिएबल है a, दूसरा है b, तीसरा है c। तो a, b और c टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं 3, राइट। यहां पर जो हमारा फर्स्ट टर्म है a प्लस बी, इसमें c वेरिएबल मिसिंग है। दूसरा जो है a प्लस बी बार, इसमें भी c वेरिएबल मिसिंग है। तीसरा टर्म है a बार प्लस c, इसमें b वेरिएबल मिसिंग है, राइट। यहां पर हमें क्या करना होगा, देखिए POS फॉर्म में है तो POS फॉर्म में, POS फॉर्म के लिए हम क्या लिखते हैं कि जो हाई होगा यानी कि जो एक्टिव होता है, एक्टिव, एक्टिव के लिए हम यूज करते हैं 0 और इनएक्टिव के लिए, इनएक्टिव और लो के लिए यूज करते हैं 1, ओके। यहां पर देखो, यहां पर 3 वेरिएबल हैं तो मैं यहां पर लिखूंगा ए बी सी। 3 वेरिएबल हैं, फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म है ए प्लस बी। तो ए प्लस बी को हम क्या लिखेंगे, ए जो हमारा वेरिएबल है वो यहाँ पर मौजूद है, यानी ए के सामने हम लिखेंगे 0, क्योंकि एक्टिव के लिए हम लिखेंगे 0। बी वेरिएबल इसमें मौजूद है तो बी के सामने हम क्या लिखेंगे, 0, ओके। बी हमारा एक्टिव है, एक्टिव के लिए हम लिखेंगे 0। सी वेरिएबल यहाँ पर मिसिंग है तो जब सी वेरिएबल मिसिंग होगा उसकी उसकी जगह पर हम लिखेंगे डोंट केयर। डोंट केयर मीन्स वॉट, डोंट केयर मीन्स यहाँ पर 0 भी हो सकता है और यहाँ पर 1 भी हो सकता है, ओके। यहाँ से दो कॉम्बिनेशन बन के आएगा, एक कॉम्बिनेशन होगा 0 0 0 और दूसरा कॉम्बिनेशन होगा 0 0 1, ओके। ये दो कॉम्बिनेशन बन के आए, राइट। इसको आप क्या लिखोगे, 0 0 0 को आप लिखोगे 0, 0 0 1 को लिखोगे आप 1, ओके। ध्यान रखना ये जो टर्म होगा ये हो जाएगा मैक्स टर्म, दिस इज मैक्स टर्म, ओके। दूसरा टर्म देखिए, दूसरा टर्म क्या है, ए प्लस बी बार, ए प्लस बी बार, यहां पर ए मौजूद है, ए की जगह पर हम लिखेंगे 0। बी बार है इट मींस बी की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, राइट। इसमें C मिसिंग है तो C की जगह पर हम लिखेंगे डोंट केयर। इट मींस यहाँ पर दो चॉइस होगा, एक होगा 0 और दूसरी पॉसिबिलिटीज होंगी 1, राइट। तो यहाँ से क्या कॉम्बिनेशन बन के आता है, एक कॉम्बिनेशन बनेगा 0 1 0
दूसरा कॉम्बिनेशन बनेगा 011। इसको आप कैसे लिखेंगे, 010 को आप लिखेंगे 2 और 011 को आप लिखेंगे 3। इसके बाद लास्ट टर्म देखिए, ये ए बार प्लस सी, ए बार प्लस सी, यहां पर देखिए ए ए जो वेरिएबल है वो मौजूद है, वो किस फॉर्म में है, ए बार के फॉर्म में है, तो ए की प्लेस पर आप क्या लिखोगे, 1 लिखोगे। बी मिसिंग है, इट मींस आप यहां पर लिखोगे डोंट केयर। सी की जगह पर आप लिखोगे 0। ओके, यहां पर आपने लिखा है डोंट केयर बी की जगह पर, इट मींस यहां पर दो पॉसिबिलिटीज होंगी, एक तो 0 हो सकता है, दूसरा 1 हो सकता है, राइट। यहां से दो पॉसिबिलिटीज बन के आती हैं, वो कौन कौन सा होगा, एक होगा 100, दूसरा होगा 110, राइट। 100 को आप क्या लिखोगे, इसको आप लिखोगे 4 और 110 को आप लिखोगे 6। तो ये जो फंक्शन हमें दिया गया है, इसमें जितने भी मैक्स टर्म है वो हमें मिल चुके हैं, है ना। मैक्स टर्म कौन कौन से हैं, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 6, ये हमारे मैक्स टर्म है। लेकिन जो हमारा ऑप्शन है वो किस फॉर्म में है, ऑप्शन हमारा POS के फॉर्म में नहीं है, ऑप्शन हमारा SOP के फॉर्म में है, सम ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में है, SOP के फॉर्म में है। इट मींस यहां पर हमें यूज करना होगा मेन टर्म, मेन टर्म को हमें यूज करना होगा, लेकिन हमारे पास क्या अवेलेबल है, मैक्स टर्म अवेलेबल है। तो जो हमारा मैक्स टर्म है, जो फंक्शन f है, उसको मैक्स टर्म के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा पाई कैपिटल M 0, 1, 2, 3, 4, 6, ये हमारा है मैक्स टर्म। यहां से हम मीन टर्म को फाइंड आउट करेंगे, मीन टर्म हमारा क्या हो जाएगा, जो मैक्स टर्म में मिसिंग है वो हो जाएगा मीन टर्म। मैक्स टर्म में कौन कौन सा मिसिंग है, मैक्स टर्म में 5 मिसिंग है और 7 मिसिंग है, तो 5, 7 ये हो जाएगा मीन टर्म। यहां पर हमने 7 तक इसलिए लिया है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं 3, तो जब नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3 हैं तो इसमें 8 कॉम्बिनेशंस बनेंगे और वो हो जाएगा 0 to 7, 0 to 7 टोटल 8 कॉम्बिनेशंस बनते हैं अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स हों 3 तो, राइट। तो इसलिए हमने 5 और 7 दो यहां पर लिए हैं मीन टर्म। अब ये जो हमारा 5 और 7 मीन टर्म है, यहां पर इस मीन टर्म के लिए क्या करना है, हमें यहां पर के मैप को ड्रॉ कर लेना है। इस मीन टर्म के लिए हम क्या करते हैं ना, के मैप को ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए नंबर ऑफ वेरिएबल्स यहां पर 3 है, ए बी एंड सी, यहां हो जाएगा बी बार सी बार, दिस इज बी बार सी, दिस बी सी एंड दिस इज बी सी बार, राइट। ये हो जाएगा ए बार, ये हो जाएगा ए, ओके। इस ब्लॉक में लिखेंगे 0, 0, ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। अब यहां पर आपको मीन टर्म को फिल करना है, मीन टर्म कौन कौन सा है, यहां पर जो मीन टर्म है वो है 5 एंड 7, तो 5 की प्लेस पर आप लिखोगे 1, 7 की प्लेस पर आप लिखोगे 1। अब इन दोनों को आपको क्या करना है, अब इसका पेयरिंग करना है। तो जब इसका पेयरिंग हम करेंगे तो इसका इक्वेशन क्या आएगा, ये हो जाएगा इधर से ए और यहां से कॉमन हो जाएगा सी, तो a इंटू सी, ये हो गया, राइट। यानी कि ये जो हमारा फंक्शन है इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिलेगा a इंटू सी, ओके। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन बी में गिवन है ए सी, सो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए Given the vector field A is equal to 5x square into sine pi x by 2 ax, right? हमें इसमें find out करना है divergence of A at x is equal to 1,
डाइवर्जेंस हमें फाइंड आउट करना है इस ए वेक्टर का। देखिए ए वेक्टर गिवेन है 5x² साइन पाई एक्स बाय टू ए एक्स। आपको फाइंड आउट करना है डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस ऑफ ए डेल ए। इट मींस अब आप यहां पर क्या करोगे कि कर्ली अपॉन कर्ली एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट करोगे, और किसका डिफ्रेंशिएशन करना है 5x² इंटू साइन पाई एक्स बाय टू, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट। सो चलिए यहां पर सबसे पहले इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं। यहां पर देखिए 5 इसमें कांस्टेंट है तो डिफ्रेंशिएशन के बाहर चला जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 5 इंटू कर्ली अपॉन कर्ली एक्स एक्स स्क्वायर इंटू साइन पाई एक्स बाय टू, ये इसका करना है डिफ्रेंशिएशन। इसमें दो टर्म है, एक टर्म है एक्स स्क्वायर, दूसरा है साइन पाई एक्स अपॉन टू, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 5 इंटू, अब इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2x इंटू साइन पाई एक्स बाय टू, उसके बाद प्लस, अब क्या करेंगे एक्स स्क्वायर इंटू साइन पाई एक्स बाय टू का डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस, यहां पर हम लिखेंगे कॉस पाई एक्स बाय टू इंटू हो जाएगा पाई बाय टू, ओके ये हो गया डिफ्रेंशिएशन। अब यहां पर आपको क्या बोला है कि डाइवर्जेंस ऑफ ए फाइंड आउट करिए एट एक्स इज इक्वल टू वन, तो एक्स इज इक्वल टू आपको पुट करना होगा 1। यहां पर देखिए एक्स इज इक्वल टू 1 जब हम पुट करेंगे यहां देखिए ये जो टर्म है इसमें यदि एक्स इज इक्वल टू मैं 1 पुट करूं तो ये हो जाएगा कॉस पाई बाय टू, और कॉस पाई बाय टू की वैल्यू हो जाती है 0। यानी कि ये जो हमारा होल टर्म है ये एक्स स्क्वायर से लेकर यहां तक ये जो टर्म है ये हो जाएगा 0। तो हमारे पास सिर्फ बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ इतना सा टर्म हमारे पास बचेगा। इसमें क्या करना है x इज इक्वल टू 1 पुट करना है, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2 इंटू साइन, और x इज इक्वल टू 1 पुट करना है तो ये हो जाएगा पाई बाय टू, ओके साइन पाई बाय टू इट मींस दिस इज 1, 5 इंटू 2 दिस इज 10, सो 10 इंटू 1 इट मींस 10, इसका आंसर क्या हो जाएगा 10, यानी कि सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए फाइंड द करंट थ्रू द डायोड इन द गिवन सर्किट। यहां पर एक डायोड है और इस डायोड से कितना करंट फ्लो करेगा ये इसने पूछा है। यहां पर 12 वोल्ट का एक डीसी वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है, यहां पर 6 ओम का एक रेसिस्टर है, राइट। यहां पर देखो कि जो 12 वोल्ट का जो वोल्टेज सोर्स है उसका पॉजिटिव पोलैरिटी यहां पर है और नेगेटिव पोलैरिटी यहां पर है, और जो हमारा डायोड है डायोड का एनोड यहां पर होगा और जो इसका कैथोड है वो यहां पर होगा। इट मींस जो इसका एनोड है, डायोड का जो एनोड है वो वोल्टेज सोर्स के पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है। इट मींस डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस में होगा, यानी कि डायोड हमारा ऑन हो जाएगा, और जब डायोड ऑन होगा तो वो बिहेव करेगा शॉर्ट सर्किट की तरह लाइक दिस। और यहाँ पर वोल्टेज कितना है, वोल्टेज यहाँ पर अप्लाई किया गया 12 वोल्ट और इस साइड एक रेसिस्टर है 6 ओम का, तो यहाँ पर करंट कितना फ्लो करेगा 12/6 इट मींस 2 एम्पीयर। 2 एम्पीयर का करंट इस डायोड के थ्रू फ्लो करेगा। ऑप्शन देख लीजिए, बी ऑप्शन में गिवन है 2 एम्पीयर, सो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट कन्वर्ट्स द हीट एनर्जी ऑफ कोल कंबसन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
जो कोल का कंबशन होता है उसकी हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है, तो स्टीम पावर प्लांट, जो स्टीम पावर प्लांट होते हैं वो, स्टीम पावर प्लांट या फिर आप इसको थर्मल पावर प्लांट भी बोल सकते हैं, थर्मल पावर प्लांट। यहां पर क्या किया जाता है, यहां पर कोल को बर्न किया जाता है और कोल को बर्न करने के बाद जो इसकी हीट एनर्जी है उससे बॉयलर में वाटर को बॉयल किया जाता है और स्टीम बनाया जाता है, और ये जो हमारा स्टीम होगा वो टरबाइन की ब्लेड्स पर डाले जाते हैं, राइट। तो यहां पर जो हीट एनर्जी ऑफ कोल कंबसन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसके लिए कौन सा प्लांट होगा, स्टीम पावर प्लांट होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आइडेंटिफाई द बुलियन फंक्शन फॉर द गिवन स्विचिंग सर्किट। एक स्विचिंग सर्किट दिया गया है, इसके लिए हमें जो सुटेबल बुलियन फंक्शन होगा उसको चूज करना है। देखिए ये एक स्विच है, सपोज दिस इज अ स्विच, ओके, ये पूरा का पूरा जो कॉम्बिनेशन है ए बी और सी का, ये एक स्विच है। अब ये जो हमारा स्विच है इसको ऑपरेट कराना है, तो इस स्विच के थ्रू करंट कब फ्लो करेगा, आप ऐसा मान लो कि इस स्विच के थ्रू जब करंट फ्लो कर रहा है इट मीन स्विच हमारा ऑन है, और स्विच के थ्रू जब करंट फ्लो नहीं करेगा इट मीन स्विच हमारा ऑफ होगा, राइट। तो इस स्विच के थ्रू करंट कब फ्लो करेगा, उसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, करंट फ्लो करने के लिए इट मीन्स स्विच को ऑन होने के लिए जो कंडीशन है वो क्या है, कि जो ए वाला पॉइंट है, जो ए स्विचिंग सर्किट है उसको ऑन होना चाहिए, ए को ऑन होना चाहिए। ऑन मीन्स क्या, ए को वन स्टेट पर होना चाहिए, राइट, ए हमारा वन स्टेट पर होगा, ऑन होना चाहिए। अब बी और सी दोनों के लिए क्या होना चाहिए, या तो दोनों ऑन हो या फिर दोनों में से एटलीस्ट वन ऑन हो, राइट। यानी कि यहां पर जो कॉम्बिनेशन होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए बी और सी का, कि बी अगर ऑफ है तो सी हमारा ऑन होना चाहिए, या फिर सी अगर जो ऑफ है तो बी हमारा ऑन होना चाहिए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही स्विच हमारा ऑन हो, राइट। इन तीनों ही केस में क्या होगा कि करंट यहां से फ्लो करेगा, इट मींस ये पूरा का पूरा जो स्विच है वो ऑन होगा, ऑन स्टेट में होगा, राइट। तो ओवरऑल कंडीशन आपके लिए क्या बन के आया है, ओवरऑल कंडीशन ये बन के आया है कि जो हमारा स्विच ए है, जो ए है उसको ऑन होना मस्ट है, राइट, इसको ऑन होना मस्ट है, इट मींस यहां पर वन होना चाहिए एंड राइट, ए को तो वन होना चाहिए एंड बी और सी में दोनों में से कोई भी एक ऑन होगा, दोनों में से कोई भी अगर जो एक्टिव होगा तो ये स्विच हमारा ऑन हो जाएगा, राइट। तो इन दोनों में से कोई भी एक बी या सी, राइट, बी या सी, इन दोनों में से कोई भी अगर ऑन होगा इट मींस यहां से करंट पास करेगा, यहां से करंट फ्लो करेगा, और ए के लिए क्या है, ए को तो ऑन होना ही है, ए एंड दिस कॉम्बिनेशन, राइट। अब इसको आप क्या करो, बुलियन फंक्शन में कन्वर्ट कर दो, एंड मींस व्हाट, एंड मींस इनटू ए इनटू बी, और मींस व्हाट, और मींस प्लस सी, राइट। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, ऑप्शन देख लीजिए, बी ऑप्शन में ऐसा गिवन है, सो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द सिग्नल xt, और xt गिवन है ut minus a, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आपको फाइंड आउट करना है। ये है स्टेप सिग्नल और ये भी है स्टेप सिग्नल, स्टेप सिग्नल का जो डिफरेंशिएशन होता है, क्योंकि यहां पर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, स्टेप सिग्नल का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है इंपल्स सिग्नल, राइट। सो डेल्टी का डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा
सॉरी यूटी का डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा डेड टी, माइनस यू टी माइनस ए का डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा डेल टी माइनस ए। ये यानी कि जो फंक्शन आपको दिया गया है एक्स टी, जो सिग्नल आपको दिया गया है एक्स टी, इसका डिफरेंशिएशन फर्स्ट डेरिवेटिव इसका हो जाएगा डेल टी माइनस ए। ओके ऑप्शन कौन सा सही होगा, लास्ट ऑप्शन में गिवन है डेल टी माइनस डेल टी माइनस ए, सो लास्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफर फंक्शन हैज द गिवन पोलर प्लॉट। एक पोलर प्लॉट हमें दिया गया है और ये पोलर प्लॉट किस ट्रांसफर फंक्शन का होगा ये हमसे फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। देखो सबसे पहले पोलर प्लॉट को देखो, ये स्टार्ट कहां से हो रहा है, ओमेगा इज इक्वल टू जीरो से स्टार्ट हो रहा है। इसने जो जो एरो दिया है वो उल्टा है, एरो को आप ऐसे मार्क कर लो राइट। ओमेगा इज इक्वल टू जीरो पर स्टार्ट हो रहा है, ओमेगा इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर एंड हो रहा है राइट। अब यहां से इसका जो स्टार्टिंग है वो इस पॉइंट पर है, इस एक्सिस पर है, इधर नेगेटिव वाई एक्सिस पर है इसकी जो स्टार्टिंग है। इट मींस इसका जो टाइप नंबर होगा, देखो इसका जो टाइप नंबर होगा, इसका जो जो इसका टाइप नंबर होगा वो हो जाएगा वन। ओके और इसका जो ऑर्डर नंबर होगा, ऑर्डर नंबर हम कैसे देखते हैं, इसका जो एंड है, इस पूरा प्लॉट का जो एंड है वो इस क्वाड्रेंट में है। जब इस क्वाड्रेंट में होगा तो ये हो जाएगा टाइप टू का, सॉरी ऑर्डर टू का, टाइप वन ऑर्डर टू। लेकिन ये जो हमारा टाइप वन और ऑर्डर टू है ये स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन के लिए वैलिड होता है। इट मीन्स ये वैसे ट्रांसफर फंक्शन के लिए वैलिड होता है जिसके न्यूमरेटर में एक कांस्टेंट हो। इट मीन्स उस ट्रांसफर फंक्शन के अकॉर्डिंग कोई भी जीरोज एग्जिस्ट ना करता हो, सिर्फ और सिर्फ पोल्स हों। अगर कोई सिस्टम है जिसमें सिर्फ और सिर्फ पोल है, उसमें कोई भी जीरो नहीं है, वैसे सिस्टम के लिए ये वाला रूल अप्लाई होता है राइट। जो ये जो रूल है, मैं यहां पर रूल दिखा देता हूं आपको, स्टार्टिंग के लिए यहां से अगर स्टार्ट होता है तो ये हो जाएगा टाइप जीरो, अगर यहां से स्टार्ट होता है तो ये हो जाएगा टाइप वन, अगर यहां से स्टार्ट होता है तो ये हो जाएगा टाइप टू, अगर यहां से स्टार्ट होता है तो ये हो जाएगा टाइप थ्री। अब हम बात करते हैं एंडिंग की, कि जब पोलर प्लॉट एंड होगा यहां पर जब एंड होगा तो ये हो जाएगा ऑर्डर वन, जब यहां पर एंड होगा यहां पर ऑर्डर टू, जब यहां पर एंड होगा ऑर्डर थ्री, जब यहां पर एंड होगा ऑर्डर फोर। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल यहां पर जो हमारा पोलर प्लॉट है वो स्टार्ट हो रहा है अकॉर्डिंग टू टाइप वन और एंड हो रहा है अकॉर्डिंग टू ऑर्डर नंबर टू, इसलिए मैंने यहां पर लिखा है टाइप वन ऑर्डर टू। लेकिन ये जो रूल है ये वैलिड उसके लिए है जहां पर कोई भी जीरोज ना हो, सिर्फ और सिर्फ पोल्स हो। यहां पर देखिए जितने भी ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, एक लास्ट ऐसा ट्रांसफर फंक्शन है जिसमें कि कोई भी जीरोज नहीं है, सिर्फ यहां पर पोल है। ऑर्डर तो इसका टू है, लास्ट डी ऑप्शन में ऑर्डर तो टू है लेकिन इसका टाइप जीरो है, टाइप वन नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। उसके बाद हम बात करते हैं कि टाइप वन और टाइप वन यहां पर कौन कौन से ऑप्शन में है। ऑप्शन बी में देखिए टाइप वन है और ऑप्शन सी में भी हमारा टाइप वन है। ओके ऑप्शन डी में टाइप टू, सॉरी ऑप्शन ए में टाइप टू है, सो ऑप्शन ए यहां पर इनकरेक्ट होगा, बी और सी इन दोनों में से कोई एक होगा। अब यहां पर आप देखो कि जो ऑप्शन बी है इसमें क्या है, इसमें
इसका जो ऑर्डर है वो थ्री है, लेकिन इसमें एक जीरो है, एक जीरो है। तो यहां पर अगर एक जीरो ऐड हुआ है तो एक एक्स्ट्रा पोल भी तो ऐड हुआ है, राइट। तो आप इसको इस तरीके से कैंसल आउट कर सकते हो। अगर जो हमारा स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन है उसमें यदि मैं एक जीरो को ऐड करूं और एक हम पोल को ऐड करें, तो इसका जो बिहेवियर है, जो टाइप नंबर और ऑर्डर नंबर को फाइंड आउट करने का जो तरीका है, वो आप एज इट इज यहां से कॉपी कर सकते हैं, राइट। जैसे कि अगर आप यहां पर एक जीरो ऐड करते हैं तो आपको एक पोल को ऐड करना होगा, राइट। यहां पर एक जीरो को ऐड किया गया है और एक पोल को ऐड किया गया है, इन दोनों को आप नेगलेक्ट कर दो, जीरो को भी नेगलेक्ट करो और पोल को भी। उसके बाद आपके पास क्या बचता है? उसके बाद आपके पास बचता है स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन, राइट, जिसमें कि इसका टाइप है वन और ऑर्डर है टू, राइट। इसलिए बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट यूज्ड इन पावर सिस्टम इज 1 lakh rupees एंड इट्स स्क्रैप वैल्यू इज 10,000 आफ्टर अ यूजफुल लाइफ ऑफ 20 years। व्हाट इज द एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज ऑफ द इक्विपमेंट? एक पावर सिस्टम में एक इक्विपमेंट है जिसका जो चार्ज है, जिसका प्राइस है, वो है 1 lakh rupees और आफ्टर 20 years उसका प्राइस रह जाता है 10,000 rupees ओनली, राइट। क्योंकि वो जो इक्विपमेंट है वो 20 years तक उसका यूज किया गया है, राइट। तो जब यूज किया गया है तो आफ्टर 20 years, आफ्टर यूजफुल लाइफ ऑफ 20 years, जो उसका कॉस्ट है वो है ओनली 10,000। यानी कि अब उसमें जो लॉस हुआ है, जो कॉस्ट आप रिड्यूस किए हो, जितना रिडक्शन हुआ कॉस्ट में, वो कितना होगा? 1 lakh minus 10,000, इट मींस 90,000, राइट। तो यहां पर हम लिखेंगे जो इक्विपमेंट की जो वैल्यू है डिक्रीज हुई है, वैल्यू डिक्रीजेस बाय 90,000 rupees इन 20 years, ओके। तो पर ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज कितना हो जाएगा? इसलिए वैल्यू डिक्रीज इन 1 year, वैल्यू डिक्रीज इन 1 year, यही कहलाएगा एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज। ये कितना हो जाएगा? 90,000 डिवाइडेड बाय 20 years, इट मींस ये हो जाएगा 4500 rupees, 4500 rupees इसका एनुअल डिप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगा, राइट। ऑप्शन देख लीजिए, लास्ट ऑप्शन में क्या है? डी ऑप्शन में 4500 rupees, सो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द रियल पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस xn इज इक्वल टू e रेज टू द पावर j थीटा n, इसको आप लिख लो। यहां पर ओम का साइन है, इसको आप लिख लो थीटा n, e रेज टू द पावर j थीटा n लिख लो, राइट। तो ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस है, इसका रियल पार्ट पूछा है कि रियल पार्ट इससे क्या हो जाएगा। तो इसका जो रियल पार्ट है, इसका रियल पार्ट होता है कॉस थीटा n, और इमेजिनरी पार्ट, जो इसका इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा वो हो जाएगा साइन थीटा n। इसमें रियल पार्ट पूछा है, ऑप्शन बी, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 132 हिस्टेरेसिस लॉस इन इलेक्ट्रिकल मशीन इज टिपिकली गिवन एज
विच ऑफ द फॉलोइंग, हिस्टेरेसिस लॉस के बारे में पूछा है, हिस्टेरेसिस पावर लॉस पीएच, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक कांस्टेंट के एच, उसके बाद बी एम टू द पावर एक्स इन टू एफ, यहां पर एक्स होता है स्टीम मर्ज कांस्टेंट जिसके वैल्यू हम कंसीडर करते हैं 1.6, राइट। यहां पर जो गिवन है एक्स की जगह पर इसने लिखा है एन, तो ठीक है आप इसको एन कंसीडर कर लो, के एच कॉन्स्टेंट है, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी टू द पावर एन इन टू एफ, ये हो जाएगा हिस्टेरेसिस पावर लॉस, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इवेलुएट सिग्नम टी का डिफरेंशिएशन करना है, एक फंक्शन है सिग्नम टी होता क्या है, इसकी वैल्यू होती है प्लस वन फोर टी ग्रेटर देन जीरो, और इसकी वैल्यू होती है माइनस वन फोर टी लेस देन जीरो। यदि इसका मैं ग्राफ ड्रॉ करूं कि सिग्नम टी हमारा होता कैसा है, तो ये जो सिग्नल है वो हमें ऐसा दिखाई देगा, सिग्नम टी वर्सेस टी, सिग्नम टी वर्सेस टी, इसकी वैल्यू हो जाएगी प्लस वन माइनस वन, ओके। इसका करना है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन मीन्स व्हाट, डिफरेंशिएशन मीन्स स्लोप, आपको इसका स्लोप फाइंड आउट करना है, राइट। सो इसका डिफरेंशिएशन देखो कितना हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ सिग्नम टी विथ रिस्पेक्ट टू टी वर्सेस टी, यहां पर डिफरेंशिएशन करना है। देखो t इज इक्वल टू जीरो से पहले जो इसकी वैल्यू है वो है कांस्टेंट माइनस वन, कांस्टेंट वैल्यू है, डिफरेंशिएशन कितना होगा जीरो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, तो t इज इक्वल टू जीरो से पहले, यहां पर है t इज इक्वल टू जीरो, t इज इक्वल टू जीरो से पहले इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा जीरो, ये मैंने कर दिया इसका डिफरेंशिएशन जीरो। t इज इक्वल टू जीरो के बाद यहां पर है टाइम t इज इक्वल टू जीरो, टाइम t इज इक्वल टू जीरो के बाद इस सिग्नल की जो वैल्यू है वो है प्लस वन, और ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा जीरो, तो t इज इक्वल टू जीरो के बाद जो इसका डिफरेंशिएशन होगा वो होगा जीरो, t इज इक्वल टू जीरो के बाद इसका डिफरेंशिएशन मैंने यहां पर लिख दिया दिस इज जीरो, बट एट t इज इक्वल टू जीरो, t इज इक्वल टू जीरो पर जो इसका डिफरेंशिएशन होगा उसको हम कैसे लिखेंगे, t इज इक्वल टू जीरो पर ये हो जाएगा एक व्हाट, यहां पर t इज इक्वल टू जीरो पर एक स्टेप आया हुआ है, राइट right? एक स्टेप है, टू यूनिट का स्टेप है, राइट right? तभी तो इसकी वैल्यू माइनस वन से प्लस वन हो गई है, माइनस वन से प्लस वन वैल्यू का हो जाना इट मींस यहां पर एक स्टेप आया है विथ टू यूनिट का स्टेप है, तो जब इसमें टू यूनिट का स्टेप है इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2 डेल टी, राइट। यहां पर एक इंपल्स आएगा डिफरेंशिएशन में, एक इंपल्स होगा, इंपल्स सिग्नल जिसका एरिया होगा 2, यानी कि हम यहां पर लिखेंगे 2 डेल टी, ये हो जाएगा, ओके। ऑप्शन देख लीजिए, सी में गिवन है 2 डेल टी, सो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंप्लीफाई द बुलियन फंक्शन, इस बुलियन फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है, ये जो हमारा फंक्शन है ये फिर से गिवन है किसमें, पीओएस के फॉर्म में है, प्रोडक्ट ऑफ सम पीओएस फॉर्म में है, प्रोडक्ट ऑफ सम, और जब POS के फॉर्म में होता है तो यहां से हमें मिलता है मैक्स टर्म, यहां से हमें मैक्स टर्म मिलता है, और एक पॉइंट कि जब हम प्रोडक्ट ऑफ सम के रूप में लिखते हैं तो यहां पर एक्टिव
एक्टिव को यानी कि हाई को हम शो करते हैं जीरो से, और जो इनएक्टिव होगा या फिर लो होगा, लो सिग्नल, इसको हम शो करेंगे वन से। देखिए, एक टर्म है ए प्लस बी, दूसरा है ए प्लस सी, यानी कि यहां पर टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे थ्री, ए बी और सी तीन वेरिएबल्स होंगे। यहां पर मैं लिखता हूं एक वेरिएबल ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है। फर्स्ट टर्म कौन सा है? फर्स्ट टर्म है ए प्लस बी। ए प्लस बी में हम क्या लिखेंगे? ए के सामने हम लिखेंगे जीरो, बी के सामने भी हम लिखेंगे जीरो, क्योंकि दोनों एक्टिव है, राइट? दोनों के सामने हमने लिखा जीरो, लेकिन सी इसमें मिसिंग है, तो सी की जगह पर हमें लिखना पड़ेगा डोंट केयर, राइट? यानी कि यहां से आप जीरो भी ले सकते हैं और यहां पर आप वन भी ले सकते हैं। सो यहां पर जो कॉम्बिनेशन बन के आएगा वो आएगा ए जीरो, बी जीरो, सी जीरो। दूसरा कॉम्बिनेशन होगा ए जीरो, बी जीरो, सी वन, राइट? इट मींस आप यहां पर लिखेंगे कि दिस इज जीरो, दिस इज वन, एंड व्हाट इज दिस? दिस इज मैक्स टर्म। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो हमारा टर्म है वो है ए प्लस सी। नेक्स्ट टर्म क्या है? ए प्लस सी है। ओके, सो ए की जगह पर आप लिखेंगे जीरो, बी की जगह पर आप लिखेंगे डोंट केयर, क्योंकि बी इसमें मिसिंग है, सी की जगह पर आप लिखेंगे जीरो। अब जहां पर आपने डोंट केयर दिया है वहां पर आप ले सकते हैं जीरो और वहां पर आप ले सकते हैं वन, यानी कि दो पॉसिबिलिटीज होंगी, यानी कि यहां से दो कॉम्बिनेशन बनेगा, एक होगा जीरो 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 और दूसरा होगा जीरो वन जीरो, यानी कि एक हो जाएगा जीरो और दूसरा हो जाएगा क्या? टू हो जाएगा। तो यहां पर मैक्स टर्म कौन कौन से बन गए? मैक्स टर्म बना जीरो, वन और टू, ये हो गए मैक्स टर्म। तो मैक्स टर्म तो हमें पता चल गया, अब हमें यहां से फाइंड आउट करना है मीन टर्म। मीन टर्म हमें फाइंड आउट करना है, देखो मीन टर्म, वो टर्म जो कि मैक्स टर्म में नहीं है, जो मैक्स टर्म में एब्सेंट है वो हो जाएगा मीन टर्म। मैक्स टर्म में मौजूद है जीरो, वन और टू, उसके बाद थ्री के बाद सारी चीजें उसमें एब्सेंट है, तो थ्री फोर फाइव सिक्स और सेवन, ये एब्सेंट है मैक्स टर्म में, तो ये हो जाएगा मीन टर्म। तो यहां से हमें मीन टर्म मिल चुका है। अब इस मीन टर्म की हेल्प से हम क्या करेंगे, यहां पर के मैप को ड्रॉ कर लेंगे। देखिए, दिस इज के मैप, वेरिएबल ए, इधर होगा बी सी, बी बार सी बार, बी बार सी, बी सी, बी सी बार, ए बार ए, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन। यहां पर हमें फिल करना है थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन को, थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन। यहां से देखिए, यहां से एक बनेगा क्वाड, ये बन गया क्वाड। इस क्वाड का इक्वेशन क्या होगा? ये इसका इक्वेशन हो जाएगा ए, और दूसरा बनेगा यहां से एक पेयर। ये जो हमारा पेयर बनेगा, इस पेयर का इक्वेशन क्या होगा? इस पेयर का इक्वेशन हो जाएगा बी सी, राइट? सो जो हमारा फंक्शन गिवन है एफ इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी सी, ऐसे लिख सकते हैं इसको, राइट? ए प्लस बी सी। ऑप्शन देख लीजिए, लास्ट ऑप्शन में गिवन है ए प्लस बी सी, सो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा है कि फाइंड द आउटपुट बुलियन फंक्शन फॉर द लॉजिक सर्किट।
इस लॉजिक सर्किट का आउटपुट आपको फाइंड आउट करना है, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या होगी ये आपको फाइंड आउट करना है। यहां से हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग से देखिए, दिस सिग्नल इज ए, दिस सिग्नल इज बी, यहां पर है एंड गेट, दिस इज एंड गेट, एंड गेट का आउटपुट क्या होगा, एंड गेट का आउटपुट होगा ए इंटू बी। ओके, यहां पर ये सिग्नल है सी और ये है नॉट गेट, नॉट गेट का आउटपुट क्या हो जाएगा, सी बार, राइट। तो यहां पर जो नॉर गेट है इसके लिए इनपुट है, एक इनपुट है ए इंटू बी, दूसरा इनपुट है सी बार। नॉर गेट का आउटपुट क्या हो जाएगा, इसका जो आउटपुट होगा वो होगा ए इंटू बी प्लस सी बार का होल बार। ओके, इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया, राइट। उसके बाद देखो, यही सिग्नल हमारा इस एंड गेट के लिए आएगा, दिस इज एंड गेट, इस एंड गेट के लिए एक सिग्नल ये आया, दूसरा यहां से आया है बी से, ये बी से आया है तो ये हो जाएगा बी, उसके बाद तीसरा यहां से आया सी से तो ये हो जाएगा सी। अब जो एंड गेट का आउटपुट है एक्स, एक्स को हम कैसे लिखेंगे, एक्स हमारा हो जाएगा तीनों का मल्टीप्लिकेशन, राइट, ए इंटू बी प्लस सी बार, इसका होल कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद इंटू बी इंटू सी, यही तो हो जाएगा ना एक्स। इसको अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखिए इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, पहले इसको हम ब्रेक करते हैं, ये इसको हम लिख सकते हैं कि ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट इंटू सी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, राइट, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद इसमें जो इधर मल्टीप्लाई है बी इंटू सी, हम उसको ऐसे ही लिख देंगे, राइट। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, दिस एक्स विल बी इक्वल टू, इसको फिर से कैसे लिखेंगे, इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं, ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट इंटू सी का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ये हो जाएगा सी इंटू बी इंटू सी, तो सी इंटू सी ये हो जाएगा सी, राइट। इट मीन्स हम इसको लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद इंटू बी इंटू सी, राइट। अब जो ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट है इसको हम ब्रेक करेंगे, इसको ब्रेक करके क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, राइट। इसके बाद आउटसाइड में क्या मल्टीप्लाई है, यहां पर है बी एंड सी, ओके। अब यहां से इसको क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी इंटू सी और प्लस हो जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट इंटू बी इंटू सी। यहां पर देखो बी कॉम्प्लीमेंट इंटू बी ये हो जाएगा जीरो, राइट। ये जैसे ही जीरो हुआ तो ये वाला कंप्लीट टर्म हो जाएगा जीरो, ओके। तो हमारे पास आंसर क्या बच गया, आंसर बच गया एक्स इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट बी सी, राइट। ऑप्शन देख लीजिए, ए कॉम्प्लीमेंट बी सी, बी ऑप्शन, राइट, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ए कॉम्प्लीमेंट बी सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये इस क्वेश्चन में कहा है कि चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू कूलम्स लॉ, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस क्यू वन एंड क्यू टू इज व्हाट। फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द डिस्टेंस, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू क्यू टू, दिस इज करेक्ट। डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू क्यू वन, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। लास्ट स्टेटमेंट कहता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है, स्टेटमेंट ए, ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
करंट एंड वोल्टेज इन अ प्योर इंडक्टर आर कैरेक्टराइज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। एक प्योर इंडक्टर है, इसमें जो करंट फ्लो करेगा आई, और इसके क्रॉस का जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वी, इसको हम कैसे लिखते हैं, ये वी हो जाएगा एल इंटू डी आई अपॉन डी टी। ये ऑप्शन देख लीजिए, वी इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये फाइंड द इंडक्टर करंट आफ्टर द स्विच क्लोजेस इन द सर्किट। इंडक्टर करंट आपको फाइंड आउट करना है, इंडक्टर यहां पर है, इसमें जो करंट फ्लो करता है आई टी, ये आपको फाइंड आउट करना है आफ्टर स्विच क्लोज। ओके, स्विच क्लोज हो रहा है टी इज इक्वल टू जीरो पर। टी इज इक्वल टू जीरो पर जब स्विच क्लोज हो रहा है, उसके बाद इस इंडक्टर में कितना करंट फ्लो करेगा, उस करंट का इक्वेशन आपको फाइंड आउट करना है। ओके, देखिए स्विच क्लोज होने से पहले क्या था, टी लेस देन जीरो की यदि मैं बात करूं तो अभी हमारा जो स्विच है वो ओपन है, टी लेस देन जीरो के लिए स्विच ओपन है। तो जब स्विच हमारा ओपन है तो इंडक्टर में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा, इट मींस जो इंडक्टर का करंट है जीरो माइनस के लिए वो रहा होगा जीरो एम्पियर। ओके, और इंडक्टर की प्रॉपर्टी है कि इंडक्टर का करंट आई एल जीरो माइनस और आई एल जीरो प्लस ये दोनों इक्वल होते हैं, तो ये भी हो जाएगा जीरो एम्पियर। ओके, अब हम बात करते हैं टी ग्रेटर देन जीरो के लिए, यानी कि जब स्विच क्लोज हो गया उसके बाद की बात करते हैं, उसके बाद क्या हुआ हो? स्विच क्लोज होने के बाद एट टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर, टी ग्रेटर देन जीरो एंड एट टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर, यानी कि स्टडी स्टेट पर, टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी इट मींस स्टडी स्टेट पर, स्टडी स्टेट पर जो इंडक्टर है वो बिहेव कर रहा होगा शॉर्ट सर्किट की तरह, इंडक्टर बिहेव करेगा शॉर्ट सर्किट की तरह। तो हमारा सर्किट कैसा बनेगा एट टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर देखो, यहां पर ये है 4 मिली एम्पियर का करंट सोर्स, यहां है 1000 ओम का रेसिस्टर, यहां है स्विच, ये है स्विच जो कि बहुत ही पहले क्लोज हो चुका है, टी इक्वल टू जीरो पर ही क्लोज हुआ है। अब यहां पर है इंडक्टर जो कि शॉर्ट हो चुका है टी इक्वल टू इन्फिनिटी पर, दिस इज इंडक्टर एंड बिहेविंग लाइक अ शॉर्ट सर्किट, राइट। अब इस इंडक्टर में करंट कितना फ्लो करेगा, जो भी यहां जो हमारा करंट सोर्स है इससे सारा का सारा करंट कहां जाएगा, इस इंडक्टर से ही फ्लो करेगा ऐसे, यानी कि 4 मिली एम्पियर का करंट इस इंडक्टर से फ्लो करेगा एट टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, राइट। तो टी इज इक्वल टू जीरो प्लस पर हमने देख लिया था करंट था जीरो, अब टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर आई एल एट इन्फिनिटी ये हमें मिल गया है 4 मिली एम्पियर। तो इसका जो करंट का इक्वेशन होगा वो क्या हो जाएगा, आई एल एट टी टाइम ये हो जाएगा 4 मिली एम्पियर इंटू 1 माइनस ई रे टू द पावर माइनस टी अपॉन टाइम कांस्टेंट टाउ, ये हो जाएगा। ओके, यहां पर टाइम कांस्टेंट फाइंड आउट कर लेते हैं, टाइम कांस्टेंट टाउ हो जाएगा एल अपॉन आर, एल की वैल्यू कितनी है 5 मिली हेनरी, यानी कि 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाई आर, आर है 1000, इट मीन्स 10 टू द पावर 3, इट मीन्स आप इसको लिख सकते हैं 5 into 10 to the power minus 6 second, ये हो जाएगा टाइम कांस्टेंट tau, this is tau, okay, 5 microsecond का टाइम कांस्टेंट होगा इस सर्किट का, right? तो यहां पर tau की जगह पर मैं पुट कर सकता हूं 5 microsecond, right? यहां पर ऑप्शन में देख लीजिए, जितने भी ऑप्शंस हैं, एक तो यहां पर पॉजिटिव है इन दोनों में, तो ये दोनों ऑप्शन इनकरेक्ट हो गए। लास्ट के दो ऑप्शन देखिए, यहां पर माइनस साइन नहीं है, दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। उसके बाद एक ही ऑप्शन बचा है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में क्या गिवन है 4 1 माइनस ई रे टू द पावर माइनस टी अपॉन 5, जो
जो टाइम कांस्टेंट है उसको इसने सिर्फ लिखा है 5, यहां पर होना चाहिए 5 माइक्रोसेकंड। तो ऊपर में जो टी है वो भी हमारा माइक्रोसेकंड में होगा, तभी तो इसको कैंसिल आउट किया गया है, राइट। तो यहां पर लिख दिया है कि टी इज इन माइक्रोसेकंड। तो जब टी हमारा माइक्रोसेकंड में होगा और टाओ भी हमारा माइक्रोसेकंड में होगा, तो टी का जो पावर है 10^-6 और टाओ का जो पावर है 10^-6, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं टी अपॉन 5। ओके, सो ओवरऑल ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कंसिडर अ फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, एक फीडबैक कंट्रोल सिस्टम दिया गया है। द रूट लोकस ऑफ द सिस्टम हैज विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका रूट लोकस के बारे में आपसे कुछ इंफॉर्मेशन पूछा है। सबसे पहले क्या कर लेते हैं ना, जो इसका जीएस है उसको लिख लेते हैं। जीएस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा के एस प्लस 2 इंटू एस प्लस 3 डिवाइडेड बाय एस इंटू एस प्लस 1। इसका पोल जीरो पैटर्न हम ड्रॉ कर लेते हैं, पोल जीरो पैटर्न। देखो S इज इक्वल टू 0 पर एक पोल है, तो S इज इक्वल टू 0 पर हमने एक पोल बना दिया। उसके बाद S इज इक्वल टू -1 पर एक पोल है, तो मैंने यहां पर एक पोल बना दिया। S इज इक्वल टू -2 पर एक 0 है और S इज इक्वल टू -3 पर एक 0 है, राइट। ये हो गया पोल जीरो पैटर्न। अब रूट लोकस कहां कहां लाई करेगा, रूट लोकस हमारा यहां पर होगा 0 और -1 के बीच में, और एक रूट लोकस यहां पर होगा -2 और -3 के बीच में, राइट। अब देख लीजिए ऑप्शन को रीड कर लीजिए। ऑप्शन ए कहता है कि रूट लोकी एग्जिस्ट ऑन नेगेटिव रियल एक्सिस बिटवीन -2 एंड -1, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, रूट लोकस एग्जिस्ट ऑन नेगेटिव रियल एक्सिस बिटवीन 0 एंड -1, ये करेक्ट है। -2 -3 ये भी करेक्ट है, यहां पर ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। वेट, आई थिंक आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा ना, ठीक है देखिए, और ये करेक्ट है, राइट। तो बी सी और डी इन तीनों में से कोई एक आंसर होगा। अब देखते हैं बी ऑप्शन को। बी में इसने क्या कहा कि के टेंस टू इन्फिनिटी, रूट लोकस आर गोइंग टू -∞। नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ पोल्स हैं वो कितने हैं, नंबर ऑफ पोल्स हैं 2 और नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, वो भी है 2। तो रूट लोकस जो कि इन्फिनिटी पर जाएंगे वो होते हैं p-z, और यहां पर p-z हो जाएगा 0, यानी कि जो हमारा पोल है कोई भी पोल इन्फिनिटी पर जाकर एंड नहीं होने वाला है। दो पोल है, दो जीरोज है, तो k इज इक्वल टू 0 मीन्स पोल से स्टार्ट होगा, रूट लोकस पोल से स्टार्ट होगा, और k इज इक्वल टू इन्फिनिटी मीन्स 0 पर जाकर एंड होगा, राइट। यहां पर कहीं ब्रेकअवे पॉइंट होने वाला है, यहां पर इन दोनों के बीच में कहीं ब्रेकअवे पॉइंट होगा, और ये यहां पर कहीं ब्रेकिंग पॉइंट होगा, ये यहां पर जाएगा लाइक दिस, ये कॉम्प्लेक्स होगा और ये इधर से जाएगा ऐसे, इस तरीके से रूट लोकस बनेगा, और यहां के बाद एक पोल इस 0 में चला जाएगा और दूसरा पोल इस 0 में चला जाएगा, राइट। यानी कि जो पोल्स हैं उसका एंडिंग होगा कहां पर, 0 पे होगा, s इज इक्वल टू -2 पर, s इज इक्वल टू -3 पर, प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी पर एंड नहीं होने वाला है। तो इसमें गिवन है माइनस इन्फिनिटी, इनकरेक्ट, इसमें गिवन है प्लस इन्फिनिटी, इनकरेक्ट। लास्ट ऑप्शन बचा है जिसमें दिया गया है कि रूट लोगे टर्मिनेट एट s इज इक्वल टू -2, s इज इक्वल टू -3, सो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इफ ए इज इक्वल टू 5t स्क्वायर, यहां पर आई कैप होना चाहिए, आई लिखा हुआ है ना, इसको आप आई कैप कर लो, इसको जे कैप कर लो, इसको के कैप कर लो, ये हो जाएगा आई कैप जे कैप, ठीक है। तो वेक्टर ए गिवन है 5t स्क्वायर आई कैप टी जे कैप माइनस t³ के कैप, और वेक्टर बी गिवन है sin t आई कैप माइनस cos t जे कैप, ये दिया गया। और हमसे पूछा है कि ए डॉट बी का डिफ्रेंसिएशन, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ए डॉट बी को फाइंड आउट करना होगा, ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट हमें इस दोनों वेक्टर का फाइंड आउट करना होगा। यहां से देखिए ए डॉट बी कितना हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यहां पर क्या हो जाएगा, इसके लिए आप करेंगे 5t² और sin t को मल्टीप्लाई करेंगे और t और माइनस cos t को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आई कैप है उसका कंपोनेंट और जो आई कैप है दूसरे वेक्टर का आई कैप है उसका कंपोनेंट, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि आई कैप और जे कैप को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो उसका मल्टीप्लीकेशन जीरो आएगा, जो डॉट प्रोडक्ट होगा डॉट प्रोडक्ट उसका जीरो आएगा, आई का जे के साथ हो या फिर आई का के साथ हो, इसका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो होता है जीरो। सिर्फ एग्जिस्ट करता जो नॉन जीरो होगा वो कौन सा होगा, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के के साथ, ओके। तो यहां पर ए डॉट बी आ जाएगा 5t² इंटू साइन टी और दूसरा होगा प्लस टी इंटू माइनस ऑफ कॉस टी, ये इट मीन्स यहां पर आप लिखेंगे ए डॉट बी दिस इज इक्वल टू 5t² साइन टी और माइनस टी इंटू कॉस टी, ये है ए डॉट बी, लेकिन आपको ए डॉट बी फाइंड आउट नहीं करना है, आपको फाइंड आउट करना है इसका डिफरेंशिएशन, है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ ए डॉट बी। तो इसका आप डिफरेंशिएशन फाइंड आउट कर लो, डिफरेंशिएशन कैसे होगा, देखो डी अपॉन डी टी ए डॉट बी, इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। देखो 5 कांस्टेंट है, 5 हमने लिख दिया, उसके बाद टी स्क्वायर इंटू साइन टी का डिफरेंशिएशन करना है, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t इंटू हम करेंगे यहां पर साइन टी, उसके बाद प्लस टी स्क्वायर को ऐसे लिखेंगे और साइन टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस टी, ऐसे हमने लिख देना, राइट। एक टर्म हमारा यहां पर कंप्लीट हुआ। उसके बाद देखो माइनस टी कॉस टी, इसका डिफरेंशिएशन, तो माइनस यहां पर हमने यहां पर कॉमन ले लिया, अब टी इंटू कॉस टी का डिफरेंशिएशन, टी का डिफरेंशिएशन 1, सो 1 इंटू कॉस टी प्लस टी इंटू कॉस टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी, ओके, ये हो गया कंप्लीट डिफरेंशिएशन। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, तो 5 इंटू 2t ये हो जाएगा 10t साइन टी प्लस ये हो जाएगा 5t² कॉस टी, उसके बाद माइनस कॉस टी ना, हाँ, उसके बाद हो जाएगा माइनस माइनस प्लस टी साइन टी, ये। अब देखो यहां पर है 10t साइन टी और ये है t साइन टी, ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो जब ये दोनों ऐड हो जाएगा तो हम क्या लिखेंगे, यहां से लिखेंगे 11t साइन टी और प्लस ये 5t² कॉस टी, उसके बाद ये माइनस कॉस टी, ये इट मींस डिफरेंशिएशन आपको क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा, ये ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन 5t² cos t प्लस 11t sin t माइनस cos t,
बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 141। डिटरमिन द करंट रिक्वायर्ड इन अ 400 mm लेंथ ऑफ कंडक्टर ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर व्हेन द कंडक्टर इज सिचुएटेड एट राइट एंगल्स टू अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फ्लक्स डेंसिटी 1.2 टेस्ला। इफ अ फोर्स ऑफ 1.92 न्यूटन इज टू बी एक्सर्टेड ऑन द कंडक्टर। यहां पर इंफॉर्मेशन क्या क्या गिवन है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर गिवन है 400 mm, इट मीन्स 40 cm, इट मीन्स 0.4 meter, और क्या इंफॉर्मेशन है, और फ्लक्स डेंसिटी B की वैल्यू है 1.2 टेस्ला, फोर्स गिवन है 1.92 न्यूटन। ओके और फाइंड आउट क्या करना है, डिटरमिन द करंट रिक्वायर्ड, आई की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है कि आई क्या होगा। तो फोर्स ऑन द कंडक्टर, ओके एक और इंफॉर्मेशन है ना, इज सिचुएटेड एट राइट एंगल्स, यानी कि थीटा की वैल्यू भी गिवन है, थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 90 डिग्री। तो फोर्स ऑन द कंडक्टर ये हो जाएगा एफ इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा। यहां पर I को फाइंड आउट करना है, सो I हो जाएगा F अपॉन B इंटू L इंटू साइन थीटा। फोर्स कितना है, फोर्स है 1.92 डिवाइडेड बाय, B की वैल्यू है 1.2 टेस्ला, लेंथ गिवन है 0.4 मीटर, इंटू साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू है 90 डिग्री। ओके सो इसको हम यहां से कैलकुलेट कर लेंगे, I की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1.92 डिवाइडेड बाय 1.2 इंटू 0.4, 1.2 इंटू 0.4 करेंगे 0.48 आएगा, 1.92 डिवाइडेड बाय 0.48 ये हो जाएगा 4। सो करंट I की वैल्यू मिल गई 4 एम्पियर। ओके इस कंडक्टर में 4 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा होगा। ओके ऑप्शन देख लीजिए, सी ऑप्शन में गिवन है 4 एम्पियर, सो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द बीएच कर्व फॉर अ डेल्टा मैक्स कोर इज व्हाट। डेल्टा मैक्स कोर ये वैसा कोर होता है जिसमें नियर अबाउट 50% आयरन होता है एंड नियर अबाउट 50% निकल होता है। ओके और इसकी वजह से जो इसका बीएच कर्व है वो ऐसा दिखेगा आपको, BH कर्व, BH कर्व इसका, BH कर्व इसका ऐसा दिखाई देगा, थोड़ा सा ये स्लांट होगा ऊपर की तरफ और इसके पैरेलल के जैसा ऐसा होगा यहां पर लाइक दिस, ये हमारा थोड़ा सा ऐसा होगा और ये ऐसे होगा लाइक दिस। ओके बीएच कर्व ऐसा होगा, ये अच्छा जो ऑप्शंस हैं उसमें है ऑलमोस्ट स्क्वायर, ऑलमोस्ट सर्कल, ट्रायंगल, जीरो। देखो तो इसको आप ऑलमोस्ट स्क्वायर बोल सकते हो है ना, लेकिन ये स्क्वायर नहीं होता, स्क्वायर ये नहीं होता, जिस तरीके से मैंने दिखाया वैसा होता है, बट दिस इज नॉट स्क्वायर, लेकिन आप इसको ऑलमोस्ट स्क्वायर बोल सकते हैं, यानी कि ए ऑप्शन को आप यहां पर मार्क कर सकते हैं, राइट, ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 143। अ फुल वेव रेक्टिफायर यूजेस 2 डायोड्स। फुल वेव रेक्टिफायर कौन सा ऐसा फुल वेव रेक्टिफायर जिसमें 2 डायोड यूज करते हैं, वो होगा सेंटर टैप, राइट। सो इस क्वेश्चन में कहा है फुल वेव रेक्टिफायर यूजेस 2 diodes, the internal resistance of each diode is 20 ohm. यहां पर
ये है सेंटर टैब, एक डायोड यहां पर यूज किया गया है और दूसरा डायोड यहां पर यूज करेंगे, कनेक्टेड लाइक दिस, ओके। और यहां कहीं आप एज्यूम कर लो कि दिस इज सेंटर, लोड कौन सा है, रेसिस्टिव लोड है, तो ठीक है मैं यहां पर रेसिस्टिव लोड को कनेक्ट कर देता हूं, ये हो जाएगा 980 ओम का, यहां पर गिवन है ना ये। द ट्रांसफॉर्मर आरएमएस सेकेंडरी वोल्टेज फ्रॉम सेंटर टैप ईच एंड ऑफ सेकेंडरी इज 50 वोल्ट, यानी कि यहां से इसके क्रॉस का जो वोल्टेज हो जाएगा ये हो जाएगा 50 वोल्ट और इसके क्रॉस का वोल्टेज भी कितना होगा, 50 वोल्ट ही होगा, राइट ये होगा। लोड रेसिस्टेंस आपको दिया गया है 980 ओम, मैक्सिमम लोड करंट इज व्हाट, यानी कि यहां पर जो मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा आई मैक्स, ये आपको फाइंड आउट करना है कि कितना होगा, राइट। ये जो है ये सेकेंडरी है, सेकेंडरी ऑफ ट्रांसफॉर्मर, ओके। यहां पर जो हमारा डायोड है उसका रेसिस्टेंस भी मैंने 20 ओम, सो यहां पर मैं एक रेसिस्टेंस कनेक्ट कर सकता हूं इस डायोड की जगह पर, जब डायोड हमारा ऑन होगा तो उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं 20 ओम के रेसिस्टेंस से, राइट। इसका रेसिस्टेंस है 20 ओम। अब देखो यहां पर जो 50 वोल्ट गिवन है वो कौन सा वोल्टेज होगा, जो हमारा 50 वोल्ट है ये कैसा वोल्टेज होगा, ये होता है आरएमएस वोल्टेज, राइट। अब आपको चाहिए पीक करंट है ना, मैक्सिमम करंट चाहिए, तो आई मैक्स इसको आप क्या लिखोगे, आई मैक्स हो जाएगा मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन टोटल रेसिस्टेंस, राइट। मैक्सिमम वोल्टेज मीन्स व्हाट, मैक्सिमम वोल्टेज मीन्स रूट टू टाइम्स ऑफ आरएमएस वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेसिस्टेंस, राइट। यहां पर देखो रूट टू इंटू आरएमएस वोल्टेज है 50 वोल्ट, यहां पर देखो 50 वोल्ट यहां पर वोल्टेज है और इस लूप का रेसिस्टेंस कितना है, टोटल रेसिस्टेंस यहां पर है 20 ओम, यहां पर है 980, यानी कि हो जाएगा 1000 ओम, ये हो जाएगा करंट। सो 50 इंटू रूट टू डिवाइडेड बाय 1000, 0.0707, दिस इज 0.0707 एम्पीयर, इतना मैक्सिमम करंट यहां पर फ्लो करने वाला है। जो भी हमारे पास ऑप्शंस हैं वो सारे के सारे मिली एम्पीयर में हैं, तो इसको मैं मिली एम्पीयर में कन्वर्ट करूंगा तो मैं इसको कैसा लिखूंगा, ये हो जाएगा 70.7 मिली एम्पीयर, राइट। ऑप्शन देख लीजिए, ए ऑप्शन में गिवन है 70.7 मिली एम्पीयर, सो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द सर्किट बेस्ड ऑन वर्किंग प्रिंसिपल, इस सर्किट के बारे में बताना है कि ये सर्किट कैसा है, ये कौन सा सर्किट है। तो यहां से देखने से ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये है एसी वोल्टेज वोल्टेज रेगुलेटर, ओके, एसी वोल्टेज रेगुलेटर है, राइट। ऑप्शन ए में है फुल्ली कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, नहीं होगा, सेमी कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, नहीं होगा, एसी रेगुलेटर, यस। लास्ट ऑप्शन है कंट्रोल इन्वर्टर, नहीं होगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इम्पीडेंस ZS VS अपॉन IS फॉर कैपेसिटर इज व्हाट, एक कैपेसिटर का जो इम्पीडेंस होता है ZS यानी कि वोल्टेज अपॉन करंट वो क्या होगा, ये होगा 1/S इनटू C, ये होता है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए में गिवन है 1/C इनटू S, सो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर अ यूनिट डिले एलिमेंट, एक यूनिट डिले एलिमेंट है, इसमें हमने इनपुट दिया है xn और जो हमें आउटपुट मिल रहा है वो क्या है, yn is equal to xn minus 1, ये हमें आउटपुट मिल रहा है। डिटरमिन वेदर द सिस्टम इज मेमोरीलेस,
कॉजल एंड लीनियर। सबसे पहले मेमोरी लेस पे बात करते हैं कि क्या ये सिस्टम हमारा मेमोरी लेस होगा। यहां पर देखो, यहां पर क्या करते हैं ना कि n इज इक्वल टू जीरो पर देखते हैं, एट n इज इक्वल टू जीरो, n इज इक्वल टू जीरो पर आउटपुट हमें जानना है कि आउटपुट कितना होगा, यानी कि y जीरो कितना होगा, ये हो जाएगा x n माइनस वन है, यानी कि जीरो माइनस वन। इट मीन्स ये हो जाएगा x माइनस वन। इट मीन्स वॉट, n इज इक्वल टू जीरो सेकेंड पर अगर आपको आउटपुट चाहिए तो वो आउटपुट उतना ही होगा जितना इनपुट हमने n इज इक्वल टू माइनस वन पर दिया था, राइट? यानी कि जो भी इसमें प्रीवियस इनपुट था वो इसमें कहीं ना कहीं स्टोर रहा होगा, तभी तो वो जो हमारा प्रीवियस इनपुट था वो अभी के लिए, प्रेजेंट के लिए आउटपुट बन के आया है। वाई जीरो है ना, y0 क्या है, x माइनस वन, ये है पास्ट इनपुट, और अभी n इज इक्वल टू जीरो मीन्स प्रेजेंट आउटपुट। जो अभी का आउटपुट है, जो प्रेजेंट आउटपुट है, वो उतना ही है जितना कि पास्ट में दिया गया इनपुट था। ओके, इट मीन्स इस सिस्टम में मेमोरी रहा होगा, तभी तो जो हमारा प्रेजेंट आउटपुट है वो पास्ट इनपुट के इक्वल आया है। तो ये जो सिस्टम होगा वो मेमोरी लेस नहीं होगा। मेमोरी लेस इसमें गिवन है तो ए ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। इसमें है नॉट मेमोरी लेस, ठीक है, ये हो सकता है। उसके बाद अब हम बात करते हैं कॉजल पे, कॉजलिटी इसका चेक करते हैं। देखो, जो इसका आउटपुट है वाई एन, ये हो गया एक्स एन माइनस वन। इट मीन्स इसका जो आउटपुट है वो फ्यूचर इनपुट से इंडिपेंडेंट है, राइट? फ्यूचर इनपुट से इंडिपेंडेंट है। इट मीन्स ये जो सिस्टम होगा वो ये सिस्टम हमारा कॉजल सिस्टम होगा। ओके, उसके बाद हम चेक करते हैं लीनियरिटी को, क्या ये सिस्टम लीनियर होगा? तो हाँ, ये जो सिस्टम है इसका आउटपुट है वाई एन, और वाई एन इज इक्वल टू है एक्स एन माइनस वन। यहाँ पर एन माइनस वन मीन्स वॉट, यहाँ पर हुआ है टाइम शिफ्टिंग। इन केस ऑफ टाइम शिफ्टिंग लीनियरिटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, राइट? यानी कि ये सिस्टम हमारा लीनियर होगा। जैसे कि अगर आप बोलोगे कि वाई एन इज इक्वल टू एक्स एन है, ये सिस्टम कैसा होगा? लीनियर होगा। तो जब ये सिस्टम लीनियर है और अब आप यहाँ पर टाइम शिफ्टिंग अप्लाई कर रहे हो, एक्स एन की जगह पर एक्स एन माइनस वन लिख रहे हो, वो सिस्टम भी हमारा लीनियर ही होगा, क्योंकि टाइम शिफ्टिंग से लीनियरिटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो ये सिस्टम हमारा कॉजल भी होगा, लीनियर भी होगा, और विद मेमोरी होगा, राइट? कॉजल एंड लीनियर, नॉट मेमोरी लेस, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 147। इस क्वेश्चन में क्या कहा है ना, स्टीम पावर प्लांट प्रोड्यूसेस 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय यूजिंग 0.5 केजी ऑफ कोल एंड इट्स ओवरऑल एफिशिएंसी इज 20%। ओवरऑल एफिशिएंसी 20% है, कितना कोल यूज कर रहा है 0.5 केजी, और 0.5 केजी कोल यूज करके ये कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, वो है 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आपको जो फ्यूल है, जो कोल है, उसका कैलोरीफिक वैल्यू आपको फाइंड आउट करने के लिए बोले, राइट? यहां पर देखो, जो आउटपुट मिल रहा है, आउटपुट क्या है, 1 यूनिट है ना, आउटपुट हमारा 1 यूनिट है। इट मीन्स दिस इज 1 किलोवाट आवर। ओके, और 1 किलोवाट आवर का जो एनर्जी है, इसमें इसको यदि आप किलो कैलोरीज में कन्वर्ट करोगे तो आप इसको क्या लिखोगे, ये हो जाएगा 860 किलो कैलोरीज
किलो कैलोरीज। ओके, ये हमारा आउटपुट है। अब इतने आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए इस पावर प्लांट में हमें कितना इनपुट डालना पड़ता है? तो इनपुट के रूप में हम क्या डालते हैं, 0.5 केजी ऑफ कोल। इतने आउटपुट के लिए जो इनपुट हमें प्रोवाइड करना पड़ता है वो है 0.5 केजी ऑफ कोल, ये हम देते हैं एज अ इनपुट। अब ये जो हमारा इनपुट है इसके इक्विवेलेंट भी तो कुछ इसका किलो कैलोरीज होगा, है ना। सपोज हम कर लेते हैं कि इसका जो हमारा 0.5 केजी ऑफ कोल है इसके कंजम्पशन के बाद एक्स किलो कैलोरीज की इसमें एनर्जी होगी, किलो कैलोरीज, राइट, एक्स किलो कैलोरीज। यानी कि हम अगर ऐसा कहें कि इनपुट के रूप में हम दे रहे हैं एक्स किलो कैलोरीज और हमें आउटपुट मिल रहा है 860 किलो कैलोरीज, तो यहां से आप एफिशिएंसी को फाइंड आउट कर सकते हैं। एफिशिएंसी यहां से हो जाएगा आउटपुट अपॉन इनपुट, इट मींस 860 किलो कैलोरीज डिवाइडेड बाय एक्स किलो कैलोरीज, दिस इज इक्वल टू एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी आपको दिया गया है 20%, इट मींस दिस इज 0.2। यहां से आप x को फाइंड आउट कर लीजिए, x को जब आप फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 860 डिवाइडेड बाय 0.2, 860 डिवाइडेड बाय 0.2, इट मींस ये हो जाएगा 4300। x की वैल्यू 4300 किलो कैलोरीज, इट मींस जो हमारा 0.5 केजी ऑफ कोल था वो प्रोड्यूस कर रहा था 4300 किलो कैलोरीज, राइट, ये इतना किलो कैलोरीज को वो प्रोड्यूस कर रहा था। तो 1 केजी ऑफ कोल कितना प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि जो हमारी कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो पर केजी के फॉर्म में होती है। तो जब 0.5 केजी ऑफ कोल 4300 किलो कैलोरीज को प्रोड्यूस करती है, सो 1 केजी ऑफ कोल 1 kg of coal ये प्रोड्यूस करेंगी 4300 इंटू 2 यानी कि 8600 किलो कैलोरीज, और यही कहलाएगा कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल 8600। ऑप्शन देख लीजिए, 8600 किलो कैलोरीज पर केजी, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये फाइंड द नोड वोल्टेज वी बी इन द गिवन नेटवर्क, यहां पर है नोड बी, इस नोड का वोल्टेज आपको चाहिए वी बी। इसके लिए क्या करेंगे ना, यहां पर एक करंट सोर्स है, इसके साथ पैरेलल में कनेक्टेड है 20 ओम का रेसिस्टर। इन दोनों को हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि ये दोनों मिलाकर एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स बनाता है। इसका जो कॉम्बिनेशन है ये हमें देता है प्रैक्टिकल करंट सोर्स, और इस प्रैक्टिकल करंट सोर्स को हम कन्वर्ट करने वाले हैं प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में, राइट। तो वोल्टेज सोर्स में जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो वोल्टेज सोर्स में क्या होता है, सीरीज में होता है रेसिस्टेंस, 20 ओम का रेसिस्टेंस सीरीज में हो जाएगा, और एक होगा यहां पर वोल्टेज, नेगेटिव पोलरिटी यहां पर होगी, पॉजिटिव यहां पर होगा। वोल्टेज कितना होगा, 2 × 20 यानी कि 40 वोल्ट कनेक्टेड लाइक दिस। ये अब ये है नोड ए, यहां पर 10 वोल्ट का एक वोल्टेज है 10 वोल्ट, और ये रहा नोड बी, दिस इज नोड बी। नोड बी पर यहां पर कनेक्टेड है 30 ओम का एक रेसिस्टर, और यहां पर है 5 एम्पीयर का एक करंट सोर्स कनेक्टेड लाइक दिस। ये अब आपको क्या क्या क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है, क्या बोला है फाइंड आउट करने के लिए, बी नोड पर का वोल्टेज, बी नोड का वोल्टेज आपको फाइंड आउट करना है। यहां का वोल्टेज आप एज्यूम कर लो वी बी। इस नोड पर आपको लगाना होगा नोडल एनालिसिस, राइट, नोडल एनालिसिस लगाइए। इस नोड के लिए जो इनपुट करंट है वो है, यहां से देखिए इनपुट करंट है 5 एम्पीयर, सो ये
ये जो हमारा 5 एम्पियर है इनपुट करंट, नोडल एनालिसिस अप्लाई करने के बाद हम लिखेंगे इनपुट करंट 5 एम्पियर, दिस इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, ये इस ब्रांच का आउटगोइंग करंट ये हो जाएगा वीबी अपॉन 30 और प्लस इस ब्रांच का आउटगोइंग करंट, इस ब्रांच का आउटगोइंग करंट कितना होगा, ये हो जाएगा वीबी, उसके बाद हो जाएगा प्लस 10 और ये हो जाएगा प्लस 40 डिवाइडेड बाय 20 ओम रेजिस्टर, राइट। इसको आप सॉल्व करेंगे वीबी की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ओके देख लीजिए, इसको हम लिखेंगे 5 इज इक्वल टू वीबी अपॉन 30 और प्लस ये हो जाएगा वीबी प्लस 50 अपॉन 20, इट मींस 5 इज इक्वल टू वीबी 1 अपॉन 30 प्लस 1 अपॉन 20 और प्लस ये हो जाएगा 2.5। ओके 2.5 को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे, ये हो जाएगा 5 माइनस 2.5 इट मींस 2.5, दिस इज इक्वल टू वीबी 1 अपॉन 20 1 अपॉन 30। इसका जो एडिशन होगा वो कितना हो जाएगा, या तो आप इसको ऐसे ऐड ही कर लो 1 अपॉन 30 और प्लस 1 अपॉन 20 0.0833, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.0833 वीबी इनटू दिस इज इक्वल टू 2.5। यहां से हम लिखेंगे वीबी इज इक्वल टू व्हाट, 2.5 डिवाइडेड बाय दिस, 2.5 डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल टू 30, तो वीबी की वैल्यू आपको मिल जाएगी 30 वोल्ट। ओके 30 वोल्ट ऑप्शन देख लीजिए, बी ऑप्शन में गिवन है 30 वोल्ट, सो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 149। इस क्वेश्चन में क्या कहा, अ कंज्यूमर हैज अ मैक्सिमम डिमांड ऑफ 250 किलोवाट एट 40% लोड फैक्टर, लोड फैक्टर गिवन है 40%, मैक्सिमम डिमांड गिवन है 250 किलोवाट, इफ द टैरिफ इज 100 रुपीज पर किलोवाट ऑफ मैक्सिमम डिमांड प्लस 10 पैसे पर किलोवाट आर, फाइंड द ओवरऑल कॉस्ट पर किलोवाट आर। ठीक है, यहां पर देखिए मैक्सिमम डिमांड पी मैक्स ये कितना है 250 किलोवाट, लोड फैक्टर आपको दिया गया है, लोड फैक्टर कितना है 40%, राइट। लोड फैक्टर जब आपको 40% दे दिया गया है तो यहां से एवरेज लोड आप फाइंड आउट करेंगे या फिर एवरेज पावर, ये आप लिखेंगे कितना 250 जो हमारा मैक्सिमम डिमांड है इनटू लोड फैक्टर व्हिच इज 0.4, 250 इनटू 0.4 ये हो जाएगा 100 किलोवाट, तो एवरेज लोड हमारा है 100 किलोवाट, राइट। एवरेज लोड हमारा है 100 किलोवाट। ओके यहां से एनर्जी फाइंड आउट करेंगे, एवरेज एनर्जी ये कितना हो जाएगा 100 किलोवाट इनटू टाइम, और टाइम हम लिखेंगे आर में। तो यहां पर हम क्या करते हैं ना, एनुअल एनर्जी को फाइंड आउट करते हैं, वन ईयर में कितनी एनर्जी होगी, तो वन ईयर में कितना आर होगा वो हमें फाइंड आउट करना है, वन डे में 24 आर, तो 365 डेज में कितना हो जाएगा 24 into 365, इट मींस 8760 आवर्स, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 8760 आवर्स से, यानी कि यहां से जो एनर्जी आएगी एनुअल एनर्जी वन ईयर में एनर्जी वो आएगा कितना 87600 किलोवाट आर, ये इतनी एनर्जी आएगी। ओके अब जो एनर्जी पर कॉस्ट है वो कितना गिवन है, एनर्जी पर कॉस्ट गिवन है 10 पैसे पर किलोवाट आर, 10 पैसे पर किलोवाट आर, तो कॉस्ट इसका कितना हो जाएगा, इसको आप 10 पैसे से मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि 10 अपॉन 100 रुपीज से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 87600 रुपीज, ये एनुअल कॉस्ट आ गया एनर्जी का। उसके बाद जो हमारा टैरिफ था 100 रुपीज पर किलोवाट
ऑफ मैक्सिमम डिमांड, मैक्सिमम डिमांड के लिए जो पर किलोवाट का जो कॉस्ट था, जो टैरिफ है वो है 100 रुपीज। यहाँ पर मैक्सिमम डिमांड कितना है? 250 किलोवाट। सो यहाँ पर इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो टैरिफ है उसका अमाउंट मिल जाएगा। टैरिफ ये मिलेगा आपको 250 किलोवाट, और पर किलोवाट का कॉस्ट है 100 रुपीज। सो ये जो जो टैरिफ हो जाएगा 2500 रुपीज, राइट? ये हो जाएगा यहां से टैरिफ। ओके, सो टोटल कॉस्ट कितना पड़ेगा? टोटल कॉस्ट इस अमाउंट और इस अमाउंट दोनों को ऐड कर लो, ये हो जाएगा टोटल कॉस्ट 8760 प्लस 2500, ये हो जाएगा 1,12,600 रुपीज। ये हो गया टोटल कॉस्ट। अब ये जो हमारा टोटल कॉस्ट है वो कितने यूनिट एनर्जी का कॉस्ट है, कितने किलोवाट आर एनर्जी का कॉस्ट है? तो जो किलोवाट आर है वो कितना है, यहां पर देखो, किलोवाट आर, वेट वेट वेट, ये है टोटल एनर्जी, तो यही है ना, 8760 इतने किलोवाट आर की एनर्जी है। अब इसी एनर्जी के लिए जो टोटल कॉस्ट आया है, एनर्जी का कॉस्ट प्लस टैरिफ का कॉस्ट, टोटल कॉस्ट हमें इतना आया है, तो पर किलोवाट आर में कॉस्ट इसका कितना पड़ेगा? कॉस्ट पर किलोवाट आर यानी कि 1 यूनिट का कितना यहां पर कॉस्ट पड़ने वाला है, ये हो जाएगा 1,12,600 डिवाइडेड बाय 8760, राइट? यहां से इसको आप कैंसल आउट कर लीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 1,12,600 डिवाइडेड बाय 8760। ये ऑप्शन देख लीजिए, लास्ट ऑप्शन में ऐसा गिवन है, सो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 150। इस क्वेश्चन में कहा है, द रीडिंग 100 ऑफ 120 वोल्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर इज टू रिप्रेजेंट 10,000 वोल्ट। रीडिंग कितनी हो रही है? 120 वोल्ट का वोल्टमीटर है, बट रीडिंग कितनी हो रही है? रीडिंग हो रही है 100 वोल्ट। 100 वोल्ट की जो रीडिंग है वो रिप्रेजेंट करता है 10,000 वोल्ट्स को। इट मीन्स यहाँ पर जो मल्टीप्लिसिटी फैक्टर होगा वो कितना होगा, 10,000 डिवाइडेड बाय 100। इट मीन्स m की वैल्यू हो जाएगी 100। अब इसने कहा है, व्हेन इट्स रेंज इज एक्सटेंडेड बाय द यूज ऑफ अ कैपेसिटर इन सीरीज, इफ द कैपेसिटेंस ऑफ द वोल्ट मीटर एट द अबव रीडिंग इज 70 माइक्रो फैराड। जो मीटर कैपेसिटेंस है सी एम, मीटर कैपेसिटेंस वो गिवन है 70 माइक्रो फैराड। फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर मल्टीप्लायर रिक्वायर्ड, यानी कि जो इसमें हम सीरीज में जो कैपेसिटर हम ऐड करेंगे, मल्टीप्लायर कैपेसिटर जो हम लगाएंगे उसकी वैल्यू आपसे पूछा है कि वो क्या होगा। सीरीज कैपेसिटेंस सी एस, दिस इज इक्वल टू होता है मीटर कैपेसिटेंस डिवाइडेड बाय m-1। मीटर कैपेसिटेंस कितना है? 70 माइक्रो फैराड। इसको हम डिवाइड करेंगे m-1 से, m है 100, 100 माइनस 1। सो यहाँ पर आप 1 को नेगलेक्ट भी कर सकते हैं, 100 माइनस 1, आप चाहे तो 99 लिखो, या फिर आप इसको 100 ही रहने दो, राइट? कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो अगर आप 1 को यहाँ पर नेगलेक्ट करेंगे तो सी एस हो जाएगा 70/100 माइक्रो फैराड। इट मीन्स वॉट? 0.7 माइक्रो फैराड। ऑप्शन देख लीजिए, 0.7 माइक्रो फैराड, यानी कि ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ
यूपीपीसीएल एई 2019 में जो एग्जाम हुआ था उसका ये पेपर एनालिसिस आज एंड होता है। ओके, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।